क्या आपको एंजाइटी होती है? आज के लाइफस्टाइल में सबको एंजाइटी होती है। क्या आप ये जानते हैं, हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे एंजाइटी लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं। इन हैबिट्स की वजह से हमारी एंजाइटी हर वक्त सुपर चार्ज रहती है और हम हैबिचुअल हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम जानेंगे वो कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी लेवल हमेशा हाई रहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर नए हो इस चैनल पर तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुड एंड मस्ट स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, बोलेंगे ये मुझे चाहिए ही चाहिए या ये मेरे लिए जरूरी है। कभी कभी ऐसा स्टैंडर्ड ज्यादा हाई या मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भी हम बना लेते हैं। फिर इसके इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जो गिल्ट की फॉर्म में होते हैं। जब चीजें पूरी नहीं होती तो होल लाइफ हम इन बातों को लेकर चलते हैं, और जब हमें वो चीज नहीं मिलती तब हम एंगर फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम पे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि इतने मार्क्स या इतनी परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, और अगर बच्चे वो फुलफिल नहीं कर पाते तो उनके एंजाइटी लेवल हाई हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। जंपिंग टू कंक्लूजन, बहुत सारे लोग जो एंजाइटी से सफर करते हैं वो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर बड़ी जल्दी आ जाते हैं। ऐसे लोग हर चीज को नेगेटिव इंटरप्रिटेट करते हैं बिना फैक्ट के, और ऐसे लोगों को लगता है जो ये नेगेटिव फीलिंग है या जो एंक्शियसनेस है ये बस अभी ही आई है। वो ये नहीं समझते कि वो कब से और वो उनके खुद के बिहेवियर की वजह से आई है। जैसे कुछ लोग सीधा सीधा बोलते हैं ये तो है ही ऐसा, सीधे कंक्लूजन पे आते हैं बिना जाने। ऐसे लोगों के एंजाइटी लेवल काफी हाई रहते हैं। डिसक्वालीफाइंग द पॉजिटिव, आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस को रिजेक्ट करते हो जबरदस्ती कि ये नहीं काउंट होगा। कभी कुछ बोलकर तो कभी कुछ, इससे आप एक नेगेटिव बिलीफ बना लेते हो जो आपको हर दिन परेशान करता है। जैसे आपकी कहीं जॉब लगी, अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है पर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे वहाँ, तो आप सब पॉजिटिव छोड़कर जबरदस्ती के बिलीफ पाल लोगे नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। ऐसी सोच भी आपकी एंजाइटी बढ़ाती है। क्या आप भी ऐसा करते हो? कमेंट में लिखो। मेंटल फिल्टरिंग, यहाँ आप कोई एक नेगेटिव डिटेल को लेकर सोचते रहते हो। लाइफ में आप कितनी सारी डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हो, एक कोई नेगेटिव सिचुएशन को लेकर आप बाकी सारी पॉजिटिव सिचुएशंस को भूल जाते हो। जैसे ऑफिस में कितने कुलीग होते हैं, अगर किसी एक ने कुछ बोला तो आप बाकी सारे अच्छे कुलीग्स को भूल कर उस एक नेगेटिव पर्सन के बारे में सोच सोच कर अपनी एंजाइटी बढ़ाते हो। क्या आप ऐसा करते हो? कमेंट बिलो। इमोशनल रीजनिंग, आपको लगता है आपके इमोशंस वैसे हैं जैसे चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। आप एक फेलियर के जैसे फील करते हो। आजकल मोस्टली लोगों के साथ यही प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से एंजाइटी लेवल हाई रहते हैं उनके। लाइफ की नेगेटिव चीजें आपकी सोच नेगेटिव बना देती हैं, ऐसे आपके इमोशन भी नेगेटिव हो जाते हैं। ऑल और नथिंग थिंकिंग, सब कुछ या कुछ भी नहीं। आप चीजों को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में तोलते हो। आपके लिए चीजें परफेक्ट हैं या बिल्कुल खराब हैं? मेरा दोस्त मुझे लाइक करता है या नहीं करता? क्या आप भी ऐसा करते हो कि चीजों को देखकर पहले से ही डिसाइड कर देते हो, या तो ये बहुत अच्छी होगी या तो बिल्कुल खराब होगी? अगर आप ऐसा करते हो तो कमेंट बिलो। ओवर जनरलाइजेशन, इसमें आप एक सिंगल इवेंट को हर दूसरी इवेंट से जोड़ते हो। यहाँ आप सोचते हो कि अगर एक बंदे ने मार्केट में गलत बिहेव किया तो हर कोई वैसे ही बिहेव करेगा, और इस वजह से आपका एंजाइटी लेवल बढ़ता है। पर्टिकुलर एक जगह पे अगर एक बंदे ने आपसे मिसबिहेव करा तो आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि सारे ही ऐसे ही बिहेव करेंगे। आप ओवर जनरलाइज करते हो। ऐसी सोच एंजाइटी बढ़ाती है। चेंज इट। पर्सनलाइजिंग,
हर चीज को पर्सनल ले जाना, इसमें आप अपने आप को ब्लेम करते हो हर नेगेटिव इवेंट के लिए, चाहे आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ना हो, बिकॉज ये आपकी हैबिट बन गई है, ये एक पैटर्न बन गया है खुद को ब्लेम करना। अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो इसे रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि एक पैटर्न बन गया है, इसे डिटैच करें, बिकॉज ये कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकता है। लास्ट में एक बात याद रखें, ये सब एक हैबिट्स हैं, ये आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं है। अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, तभी ये एंजाइटी से आप दूर जा पाओगे। आप हमेशा याद रखो, जो आप कर सकते हो खुद को ठीक करने के लिए, उसके आगे ये एंजाइटी कुछ भी नहीं है। सो चेंज इट। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।